गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। आज मैंने खिचड़ी बनाई है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं आज खिचड़ी बनाई हूँ। यही खिलाऊंगी सबको। ये देखिए खिचड़ी बनाई मैंने, और आप भी खाएंगे। और सादी खिचड़ी बनाई है, कुछ उसमें मसाला वसाला नहीं डाला है, सिंपल से बनाई है। तबीयत ठीक नहीं है सुबह से, और ऊपर से प्रिंसिपल का कॉल आ जाता है स्कूल से कि बच्चे ने कुछ शैतान करी फ़ोन ले गया है, तो उसके लिए बुलाया गया हम। तो मैं तो नहीं गई, मैंने बोल दिया कि मैं नहीं आ पाऊँगी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया कि आप जाइए, स्कूल से कंप्लेन आई है, वहाँ पर जाना पड़ा फ़ोन लेने के लिए, नहीं तो फिर प्रिंसिपल लोग फ़ोन नहीं देते हैं, स्कूल में जमा रहता है जब तक पेरेंट्स लेने ना जाएँ। अब उसकी कंप्लेन आई है आज, तो आए आने दो उसको, मैं बताती हूँ। एक तो फ़ोन ले गया था, ऊपर से हमको पता नहीं था वह ऐप ही भी ले गया था जो कि अलाउ नहीं है स्कूल में। पता नहीं कब खरीद लिया, आजकल के बच्चे सुनते हैं नहीं, कितना भी डांट लो कह लो अपने डिफेंड नहीं करते ना कि अपने आप को, गलती नहीं मानते। आने तो आज उसको बताती हूँ, बहुत परेशान कर रखा है, सब जगह से कंप्लेन ले आता है। आज स्कूल से फर्स्ट टाइम ऐसा मतलब हुआ कि पेरेंट्स को बुलाया गया, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, नहीं मुझे जाना पड़ता। आने दो, मैं उसका वेट कर रही हूँ, आए तो उसको बताती हूँ मैं। कितना प्यारा, कितने कमाल की बात है ना। जरूरत पड़ने पे लोग रिश्ते बनाते हैं और जरूरत खत्म होने के बाद उसे तोड़ देते हैं। हाँ चलो तुम अपना कांड बताओ, करके आते हो जो क्या करना, फोन तो पड़ा है। अब आ जाओ, अभी भी बहस करोगे तो कूट जाओगे। फर्स्ट रीड दिस, कीप द बैग एंड रीड इट केयरफुली। इसको पढ़ पढ़ जोड़ क्या है। फूल के पर जो तुम सबके सामने करते हो, जो ट्यूटर हो या कोई और, आज प्रिंसिपल के सामने भी रिप्रेजेंट किया, बिहेव किया कि इसलिए अदालत मत समझ हर जगह की अपनी हर जगह की अपने अपना पक्ष रखते रहता, नहीं तो मार दिया जाओगे। आज प्रिंसिपल भी जान गई कि कितना जवान लड़का है, बोलना बंद सीखना, जवान लड़ाता है। लास्ट वर्ड, अदरवाइज आई विल किल यू एज़ वेल एज़ मायसेल्फ। सिर्फ ये दिक्कत नहीं थी कि प्रिंसिपल के पास तेरा फोन पकड़ा गया, दिक्कत ये थी कि प्रिंसिपल से तुमने जवान लड़ाया। प्रिंसिपल ने पापा को ये बोला कि ये फोन पकड़ जाना कोई बड़ा क्राइम नहीं है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये इतना बदतमीज है कि ये घर में भी ऐसे करता है। मैंने इसलिए आपको बुलाया था पेरेंट्स को इसके, कि जिससे कि पता चले ये जितना बदतमीजी स्कूल में किया है। मेरे को बोला है कि मैंने बोला कि अने अगर तुम फोन ले आओगे ऐसे ही तुम्हें मैं क्लास के बाहर बिठा, हाँ कोई बात नहीं भाई बिठा दीजिए, इतना ऐसे बोला। और बहस कर रहा था, अपने आपको डिफेंड कर रहा था, वो भी तो लाया था तो क्या हुआ, मैं ले लिया तो क्या हुआ। मैंने कब बोला कि इसे बिठा दीजिए। पापा के पापा के जवान वो उससे मैच करूंगी मैं, क्या मैं जो तुम बोल रहे हो। बोलो तो और भी वहां पे बहुत लोग थे, उन्होंने वो पहले वो अंदर जाकर बाहर आ गए, उन्होंने बोला मतलब पहले मैं गया था पर बाद में उन्होंने बोला आके कि अंदर आके कि हम कितना हो जाए इस तरह बात करके। वो तो वैसे भी इस तरह के कहना था मतलब कि वो वैसे भी पिछले हिट लिस्ट में फेमस है, वो नाम बताऊँ क्या इतना बताया कि हिट लिस्ट में फेमस है पहले से। तो बताया था कि मैम कभी अच्छे से बात समझती नहीं है कि हम कुछ बोलते हैं, और सेम ऐसा भी हुआ। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ इतनी मोटी है, मैं इतनी अच्छे से बोल मतलब कि लिटरली मैं कुछ वर्ड बोले, बोला कि सॉरी हाँ हूँ, थैंक यू नहीं बोला, सॉरी हाँ हूँ, इतना वो मैक्सिमम इतना बोला मैंने, और लास्ट में इतना बोला कि मैम आई एम ट्राइंग टू बी पोलाइट। मैम बोल रही है कि नहीं तो बड़ा नहीं बन रहे, मैं पास थप्पड़ मार देती। तुम जवान नहीं लड़ते हो? नहीं, मैं जब अकेला था तब मैं कोई जवान नहीं लड़ाई। प्रिंसिपल मैम ने पापा से ये कहा, पापा से ये कहा कि मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि फोन पकड़ जाना कोई चलो बड़ा क्राइम नहीं है, लेकिन ये ऐसे बदतमीजी से बिहेव कर रहा था, मतलब जवान लड़ा रहा था कि जो मैं कह रही थी वो कह रहा था, उसका उल्टा जवाब दे रहा था, आपको डिफेंड कर रहा था, तो घर में भी ऐसा ही करता है। तो हाँ तुम घर में देखो कर रहे हो, सुन कर रहे हो, करते हो दिन भर। मैं कहती हूँ बेटा चुप रह के ऑब्जर्व करना सीखो, बी अ लिसनर, यू हैव चूजन टू बी ए स्पीकर। जब हम कुछ बन जाते हैं तब बोलेंगे, अगर तब जाके हमारी सुनी जाएगी, क्योंकि हम उस मुकाम में पहुंच जाएंगे, हम कुछ हासिल कर चुकेंगे। बोलो क्या हुआ है स्टार्टिंग से लेके, फिर पापा के सामने क्यों, टीचर से तुमने बोला, प्रिंसिपल से तुम पापा के सामने क्यों बोल रहे थे कि मैं ही ले आया तो क्या हुआ, वो भी तो ले आए। दो बार बोला था मैं, क्या बहुत अच्छे से बताया कि मैं बस जो होता है बस लेट आई है, इसलिए मैं। और हाँ मैम को ये बताया कि नाइन्थ में होते थे जब फाइनल एग्जाम थे, जब मैं वॉकर था, मेट्रो था तो फोन लेता था और गेट पर मिटता था। उसके बाद मैम ने फिर बताया कि वो सिस्टम अभी चलता है, हमें चलता रहेगा। मैंने मैम को क्लियरली बताया कि वो सिस्टम नहीं पता कि अभी चल रहा है, कोई आइडिया नहीं था, लेकिन मैंने तुम्हें बोला था क्लास टीचर को बता दिया, जिसे ले जाओ पहली बार, दूसरी बार फोन ले जाओगे नहीं। पता है तुम्हारी वजह से कितना ज्यादा इंबैरेसमेंट हुआ कि पहली बार हमें प्रिंसिपल से बुलावा आया कि पेरेंट्स को बुलाया जाए कि बच्चे ने उनके फोन ले आया है और ऊपर से मेरे से जवान लड़ाई है, मतलब डिफेंड किया है। तो इसमें हम एग्री करते हैं प्रिंसिपल से, क्योंकि तुम डिफेंड करते हो अपने आप को, कुछ भी चीज हम जैसे बताने आते हैं तुमको, तो तुम उसको ओके नहीं करूंगा ऐसा कुछ नहीं करते तुम्हारे। हाँ तो क्या हुआ, ऐसा कर दिया तो हुआ क्या, सब ठीक करते हैं।
आपने पूछ लिया ना। हाँ और क्या बोला था मैंने कि वो मैं फोन इसलिए लेता हूँ, एयरपोर्ट एयरपोर्ट नहीं ब्लूटूथ इसलिए लेता था कि मेरे साइड वाले भैया है और बस में वो भोजपुरी खाना चलाते हैं, उनको मना कर देते हैं तब बंद कर देते हैं, पर ऐसे मैं कहीं अजीब लगता है इसलिए। तो इसे अच्छा आज मैं आस पास मिल गया था, कहते हैं ब्लूटूथ जिससे मैं अपने को बोलना, तो मैम ने क्या बोला, मैंने बोला कि तुम भाई मना कर देना उनका कोई हक नहीं है वो चला सके उनका ना, तो अब मैं कर दूंगा आपको जरूरत नहीं ब्लूटूथ की। नहीं मैं ये कह रही, तुम्हें पता है कि पेरेंट्स को प्रिंसिपल के पास बुलाना बड़ी बात होती है, पता है ना? तो तुम तब भी अपने को डिफेंड कर रहे हो, यू आर नॉट फीलिंग सॉरी फॉर दैट। आज ऑलमोस्ट 40 to 50 आई एम फीलिंग सॉरी, आई टोल्ड आई एम सॉरी, और मैं कितनी बार उनको सॉरी बोला मैंने, और आज ऑलमोस्ट अपनी सकती कितने फोन में 50। आपका ये सेंटेंस कि ऑलमोस्ट 40 to 50% स्टूडेंट्स हैव टेकन मोबाइल, ये सेंटेंस ही बताता है कि सॉरी फील नहीं कर रहे हो। हमें दूसरे से क्या मतलब, कौन क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, अपने एक्शन रिएक्शन पे ध्यान देना ना, हमें नहीं ले जाना। और मैं तुम्हें दिन भर कहती हूँ बी अ गुड लिसनर, बी एन ऑब्जर्वर, डोंट बी अ स्पीकर, बी अ स्पीकर व्हेन यू विल बी एबल टू स्पीक। मैं आपको बीच में रोक के नहीं बोला था, जब मैं अपनी बात कंप्लीट करती थी तब मैं बोला था, तब भी नहीं बोल रहा है ना, क्योंकि हम किसी इंसान की इज्जत नहीं करते, तो कम से कम उसकी उम्र और उसकी ओहदे की इज्जत कर लेते हैं। वो एक प्रिंसिपल है स्कूल की, अब बहुत बड़ा पोजीशन पर बैठी है और उसकी उम्र भी है, तो कम से कम एज की रिस्पेक्ट, हम किसी इंसान की रिस्पेक्ट नहीं करते, उसकी एज, उसकी प्रोफेशन, उसके पोस्ट की रिस्पेक्ट के लिए। हम अपनी गलती नहीं भी होगी तो हम नहीं बोलेंगे, तो हमारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। कोई पुलिस स्टेशन में नहीं थे कि हमें अपना पक्ष रखना जरूरी है, अदालत में नहीं थे कि नहीं रखे तो हमें फांसी की सजा सुना दी जाएगी, नहीं। तो मैं दिन भर घर में भी यही समझाती हूँ ना, तो तुम वहाँ पर बेइज्जती करवा के आ गए पेरेंट्स की, स्कूल में भी आज इतने सालों से आज कसर पूरी कर दी तुमने, प्रिंसिपल का बुलावा आ गया। ऐसे तुम्हें जैसे ट्यूटर भी आता है उसके पास भी मैं बता रही थी, तो उसके सामने भी डिफेंड करने लगते हो, अरे दो कहाँ, मैं एक मास कहाँ पाया था, दो मास, अरे एक पाया या दो पाया, दोनों में फेल गया, ये क्यों नहीं सोचता है? पढ़ने में ध्यान नहीं दोगे, अपना आपको वकील बना लेते हो, जैसे तुम लॉयर हो और पूरी पूरा अदालत है और तुम सबके सामने माई लॉर्ड करके अपने आप को पेश करते रहते हो। कांट यू जस्ट बी क्वाइट एंड ऑब्जर्व कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या हमें करना है क्या नहीं करना है, ऐसा नहीं रह सकते हैं क्या? अभी पापा आएंगे तो पता है सबको कितना गुस्सा लगा होगा, क्योंकि वो पापा को मतलब बताई तो बहुत अच्छे से समझाई है, बहुत जेंटल बोल रहे थे कि बहुत जेंटली समझा रही थी, लेकिन वो कह, लेकिन वो ये भी कह रही थी कि घर में भी ऐसी बदतमीजी करता है, क्योंकि ये जवान बहुत लड़ाता है, मतलब कि डिफेंड करता है अपने आपको कि तो क्या हुआ ऐसा कर दिया, तो बाहर बिठा दोगे तो क्या ही हो जाएगा, बिठा दो, ये सब ऐसा बोलना होता है क्या किसी को? नहीं ये नहीं होगा, आपकी कसम मैंने नहीं बोला। अरे तुम बोले हो भाई, तुम बोले होगे, क्योंकि तुम मुझे बोलते हो, जब माँ को सकता है तो बिठा दो, ऐसे मैं क्यों बोलूंगा, जब माँ को बोल सकते हो तो ट्यूटर टीचर सब बात आपसे कभी नहीं बोली, टीचर को मैं इतनी इतना कम डिस्पेक्ट नहीं करता हूं बेटा, बोलते ही नहीं, पहले तो मुंह खोलना ही डिसरिस्पेक्ट हो जाती है। पर ये लाइन ही गलत है कि मैं बिठा दूं, अगर तुम्हारे कोई वहाँ सफाई हो रही होती कि तुम्हें सफाई देना है, जबकि बहुत सारे स्टूडेंट होते और कोई तुम्हारे ऊपर ब्लेम लगाया गया होता कि तब फिर तुम सफाई देते, तुम्हारी बात थी या तुम्हारे पेरेंट्स के सामने, तो तुम्हें सीखना था कि मैंने ये किया है तो मुझे ये नहीं करना, ये नहीं करना, वो भी ले आता है तो मैं क्यों ना ले आऊं, तुमने ये बोला पापा के सामने, वो ब्लूटूथ के बोला था कि मैं साइकिल लाते हैं, और हाँ मैं फोन से लेता था कि बस के लेट आती है, और मैं आपको पता कल मैंने कितने करने पड़े, आपको 5 करने पड़े, और एक अंकल से भी पापा होते थे जिसे इसे दोबारा नमक ना इसे फोन लिया था। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने आज बेइज्जती कर दी पेरेंट्स की, नाम डुबो के चले आए हो, चलो फ्रेशन अप हो जाओ और मैं खाना लगाती हूँ, बेइज्जती तो खा ही लिए, अब रासू डांट खा खा के थक गया है, तब इसका सिर दबा लेती हूँ थोड़ा, उसको रिलीफ मिल जाए, फिर पढ़ाई करे, डांट खा खा के सिर में दर्द करा लिया है अपने, ऐसे ऐसे मैं सिर बहुत अच्छा दबा लेती हूँ, इसको अगर कुछ दबाने को कहो तो ये पहले ही थके रहता है, अगर बोल दो बेटा हमारे दर्द हो रहा है दबा दे थोड़ा हाथ है तो बोलेगा आपको क्या पता मैं आपसे ज्यादा थका हूँ, ये मेरे ज्यादा थक रहता है, हम जब छोटे छोटे थे कितने दबाते थे अपने पेरेंट्स को, डंडा लेके खड़े हो जाते, कचरते उनको मार पैरों से उकाते थे जब वो खेत से काम कर करके आते, ये हैं हम थके हुए तो ये पहले थक जाता है, आज तो चलो डांट खा थका है, लात नहीं खाई यही बहुत है, अच्छा लग रहा है, इंजॉइंग डांट भी इंजॉय करी, ऐसे करो ऐसे 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 करने से, ऐसे ऐसे करने से बहुत आराम मिलता है, कैसे कल लग रहा है, ये मेरा बेटा बहुत ज़्यादा नादान है, अभी भी इतना बड़ा हो गया है लेकिन नादान, इसको पता नहीं क्या करूँ क्या ना करूँ, कोई तो सिखाओ, मैं सिखा ही नहीं पा रही हूँ, सीखता नहीं कुछ चीज़, चलो रिलीफ मिल गया है, चलो चलते हैं काम करते हैं, उठो बेटा चल, इसकी आंखें दर्द हो रही हैं, आंखें दबा रहा हूँ, देख देख के दर्द हो गई, क्या देख देख, कौन नहीं चश्मा लगा था उसको, चश्मा पावर वाला नहीं लगा, जब तुम्हारे पावर है ऑलरेडी नेचुरल तो तुम दूसरे क्यों लगाते हो चश्मा, अपनी आंखें फोड़नी है क्या, यहाँ पर दबाने से स्ट्रेस
रिलीज होता है यहाँ आईब्रोज, बहुत मजा आता है। चलो हाँ पढ़ाई करते हैं, अभी पढ़ेगा इसको मैं डिक्टेट कर दूँ जिससे कि जल्दी होमवर्क हो जाए। ये मैं चाय बना रही हूँ, आज पूरा दिन चाहे बोलें या ना बोलें, जब भी उनको चाय चाहिए होती है तो चाय बना दी रखू, तब बड़ा प्यास होते हैं। एक तरफ दूध चढ़ा रखा है, एक तरफ चाय, अदरक डाल दिया, थोड़ी देर में बन जाएगी। देखो चाय में उबाल आ गई है, बस एक दो उबाल आने पर छान लूंगी मैं। अब चाय पक गई है, मैं गैस बंद कर रही हूँ, चाय छान लेती हूँ। ये चाय गर्मा गर्म बनकर और छन कर तैयार है। इतने सारे बर्तन भी पड़े हैं, मुझे आके धोना भी है इनको। मैं जी को चाय दिलाती हूँ, चाय पी रहे हैं, ये कटोरे में पीते हैं चाय, दिमाग मत लगाओ तुम, क्योंकि इनको कप में गर्म लगता है, इसलिए कप भी रहता साथ में। ये देखिए, लेकिन इनको कटोरे में देना पड़ता है, कटोरी साथ में देनी पड़ती है, जिससे कि वो उसमें डाल डाल के ठंडी करके पीते रहेंगे। बकायदे दे रखा है मैंने कप भी और कटोरी भी। पियो पियो पियो, दिमाग में खाकर चाहते नंबर पे आ तुम। तो मैंने कौन सा रोक दिया, आप तो बोले चाय बना के लिया, खुद मैं बना के लिया, तो गर्म तो होगी चाय, ठंडी कब तो अंदर। गाने होने लगे गाइए। प्याज की सब्जी बहुत अच्छी आती है, आप भी बना के ट्राई करिए। सब्जी बना लेती हूँ, ये देखिए प्याज है और टमाटर थोड़ा सा मैंने काट के डाल दिया है मैंने, बस प्याज ही प्याज की सब्जी आज बना रही हूँ। थोड़ा सा एक करी भी बनाई थी तो थोड़ा सा बची हुई है वो, ये देखिए जिसको नहीं खाना है प्याज की सब्जी तो एक करी खा लेगा, और नहीं प्याज की सब्जी तो बहुत टेस्टी होती है। और आटा भी लगा के रख लिया है मैंने, ये देखिए थोड़ी देर में बस सब्जी पकते ही रोटी बनाऊंगी, एक साइड सब्जी चढ़ा दूँगी, एक साइड रोटी बनाती रहूँगी। काफ़ी लेट हो गया डिनर बनाने के लिए आज, क्योंकि एक बजे निकल गई थी मैं, पड़ोस में दिन था तो उधर से आते आते टाइम लग गया, तो आते ही अब खाना बनाने में लग गई। दिन भर कुछ ना कुछ काम मेरा यही आता है, इसमें नमक थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ और थोड़ी सी हल्दी, बस इतनी ज़्यादा कुछ मसाला पकता नहीं है, हल्का सा गर्म मसाला डाल देते हैं बस, और इतनी ज़्यादा डाली दे दी है, बहुत टेस्टी होती है, बस जल्दी से मेरी सब्जी बन जाएगी। एक तरफ सब्जी चढ़ा दिया है मैंने, एक तरफ तवा चढ़ा दिया है, साथ में रोटियां बना दी होंगी, जल्दी हो जाएगा। रोटी बना लेती हूँ साथ में जिससे कि जल्दी हो जाए, नहीं अलग अलग बनाऊंगी पहले सब्जी पकेगी फिर रोटी, तो टाइम लग जाएगा, इसलिए जल्दी बनी है, जल्दी रोटी बना लेती हूँ। और आप जब ये देखिएगा ब्लॉग तो आप बताइएगा कैसा लगा, क्योंकि मैं फर्स्ट बार अपना डेली रूटीन जो होता है मॉर्निंग टू इवनिंग का फर्स्ट ब्लॉग बना रही हूँ, तो कैसा था मेरे को कमेंट में बताइएगा। अब मैं खाना बना लूँगी, ये देखिए कैसी गोल एकदम फुली फुली हुई सी रोटी बनी है, अच्छी रोटी बनाई है भैया। इसी तरह संगरोटी बना लूंगी, बीच बीच में सब्जी भी चेक कर लूँ जिससे कि जल ना जाए।
बस अब रोटियां बन के तैयार हैं, बस आखिरी रोटी बची है, तो सब्जी भी ऑलमोस्ट पक गई है और मैं एकदम पसीना पसीना हो गई हूँ। पसीने की दाल रोटी बहुत गर्मी है, कहने को सितंबर आ गया है, पहले ठंडी होने लगती थी जब हम छोटे छोटे थे, साढ़े 18 होता था लास्ट सितंबर में, अभी बहुत गर्मी है, पसीने ना आ गए, ज़्यादा रोटियाँ नहीं, 8-10 रोटी बनानी पड़ती है उतने में। सब्जी पक गई है, मैं इसको गैस को बंद कर देती हूँ। रोटी रख दी मैंने, अब ये जो रोटी बनाने के बाद का होता है ना, ये ज्यादा पसंद करता है क्योंकि बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। ये आटा रख दूं, और सिर्फ थाली भी तो धोनी है आटा वाली। ये देखिए इतना गंदा हो चुका है रोटी बनाने से, ये इतना आटा पूरे फैल जाता है। अब इसको साफ करने की मशक्कत करनी पड़ेगी मुझे, बहुत गंदा है। अब मैं इसको साफ कर लेती हूँ, अगर मैं तुरंत सफाई नहीं करूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, एकदम से गंदा गंदा से फील होते रहता है, इसलिए मुझे बीमारी है घर साफ रखने की। चलो मैंने सफाई से करता हूँ, कहते हैं जब देखो साफ करके पूरा दिन लगी रहती है, करूँ क्या, बीमारी ऐसी है गंदे में रहा नहीं जाता। मैं पसीना पोंछ लेती हूँ, अभी मैं किचन की सफाई कर चुकी हूँ, और देखिए मैंने कढ़ाई भी खाली कर ली है जिसने सब्जी बनाई थी, सब्जी रख दी है और वो ये अंडा करी और ये रोटियाँ। अब मैं जो भी बर्तन खाना बनाने के बाद के होते हैं पड़े हुए हैं उनको धो लेती हूँ जल्दी जल्दी, फिर हम लोग डिनर करेंगे, 9 बज रहा है इसलिए टाइम हो गया है डिनर भी करने का। मैं फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ, फिर खाना देती हूँ सबको। वॉश बेसिन को भी जितनी बार बर्तन धोते हैं वॉश बेसिन को धोती हूँ, क्योंकि ऑयल हो जाता है, तो इसको भी बर्तन धोने से ही रखते हैं इसमें वॉश बेसिन जो है उसको भी अच्छे से वॉश करना, जो कि मैं बीमा सकती हूँ। बहुत लोगों को देखा है कि बर्तन तो धो लूँगी लेकिन वॉश बेसिन जो भी और सिंह होगी एकदम गंदी हो जाएगी, मुझे लगता पूरे वॉल नल सिंक सब एकदम अच्छे से दिन के तीनों टाइम मस्त होगा। सिंक तो दिन में 10 बार मैं धुलाती हूँ, जितनी बार एक भी गिलास धोना है सिंक के साथ में उसको घिस देती हूँ। बस साफ हो चुका है किचन, थोड़ा सा पानी नीचे उसको पोंछ लूँ, बस क्या साफ हो चुका है। ये देखिए कितना पसीना है, इसमें दिखता नहीं है, बहुत पसीना मेरे, मैं जाके धोऊं साफ हो जाऊं। खाना बन चुका है, बस थोड़ी देर में हम लोग खाना खाएंगे।
चाहिए।